आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सिद्धू भाजी बड़े खुश थे, कहते आज मेरे दोस्त आ रहे हैं श्रीकांत जी और मिस्टर अजय जडेजा। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर। तुम आ रहे क्या सिंहासन पे बैठ रहे क्या? आपको क्या बोलता है आज तूफान की तूफान क्या बैठ रहे हो राजा? आपको बोल रहे आपको क्या बोला? बोलते सिंहासन पे बैठे आप। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर, आज शरीफों की तरह खड़े हैं सामने मेहमान बनकर। अरे वाह, आपकी तारीफ की है। भारत के शुक्रिया। क्रिकेट के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं श्रीकांत और जडेजा, जिन्होंने सदा तिरंगे का नाम रोशन किया है हिंदुस्तान। अरे वाह, पहले इसका पैंट निकालना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं डियर व्यूअर्स, आई टेल यू वन थिंग, हिंदी हिंदी जडेजा ये इतना बात कर रहे इधर, कभी टीम मीटिंग में एक वर्ड बोला तू बोला? इतना इतना शेर वेर बोलता है, सिद्धू इसम बुद्धू इसम सब बोलता है ना, कभी कभी टीम मीटिंग में एक बार एक सजेशन दिया, जडेजा जाके ये कह लो, चिका भाई तो ये करो, कपिल पाजी ये करो, कुछ कभी सच्ची बोलो ना जो ऑन योर डॉटर्स। मतलब आपने सोचा मैं झूठ बोलूंगा? एक बार बोला। क्या बोला? नहीं एक बार याद है जो मुझे बोला। क्या बोला? 1996, नहीं नहीं 1996 में हम श्रीलंका से हार गया, वो मैच आपको याद होगा, आप भी कमेंट्री कर रहा था। श्रीलंका बहुत मार रहा था, सारी टीम एक तरफ थी कि नहीं नहीं हमको बैटिंग फर्स्ट सेकंड करनी चाहिए, क्योंकि कालू इतराना और जयसूर्या बहुत मार रहा था, लेकिन एक अकेला सिद्धू खड़ा था उस दिन और एक ही बार बोला, इसने कहा नहीं पहले बैटिंग करो, हमने नहीं मानी इसलिए आज भुगत रहे। चेरी पाजी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और आप लोग देखते ही रहते हैं, मेरी तारीफ एक है मुझे जो मैं भूलता नहीं कभी। हमारा टेस्ट मैच चल रहा था यहाँ पे बम्बई में, मैं तो खेलता नहीं था, 12th में नहीं होता था टेस्ट मैच में, और रूम पार्टनर हम रह चुके थे 4-6 महीने साथ, और तो कोई रहता नहीं था वैसे, तो मेरे को ही रहना पड़ता। मतलब सच्ची स्टोरी है, मैं सच्ची सुनाऊंगा सारी। तो मैच मैं आया सुबह 5 बजे, उससे नहीं पहले स्टोरी से पहले कि रूम में हम पार्टनर बने, तो कहते बच्चों इस रूम के अंदर जो होगा ना कभी बाहर नहीं जाएगी ये बात। अच्छी बात भी है। मैं कहा यार इससे अच्छा रूम पार्टनर ही नहीं मिल सकता लाइफ में। बिल्कुल आज ये मरवाएगा गुरु, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। फिर कहते कुछ होगा बाहर, मैं आता था रोज 4-5-6 बजे, ये सुबह ध्यान में लगे होते थे तो दोनों को सूट करता था, ना ये मिस करते थे ना मैं मिस करता था। मैच में गए, मैच हुआ, लंच टाइम के बाद फील्डिंग करने जाना पड़ा, ये तो जाते नहीं थे। मैंने जाके कैच पकड़ा, टी टाइम पे बैठे कपिल पाजी इधर और ये इधर, कहने पाजी ऐ तुसी जब मुंडा फाड़ के लाया, सॉरी हाँ, जब मुंडा फाड़ के लाया ना हीरा है। हीरा? कहने किस तरह? कहना सवेरे 6 बजे आया लेकिन फील्डिंग देखो। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उस समय श्रीकांत सर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जोरदार तालियां बनती हैं। सर आपने क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री भी ली थी, तो यही कारण था कि आपकी बैटिंग में काफी करंट रहता था, मतलब क्योंकि आपसे पहले सर जितने भी प्लेयर मैंने देखे हैं वो हमेशा टुक टुक करते, डिफेंसिव खेलते थे, आपने आते ही ठोको रोको, ये तो सिद्धू भाई ने ठोको टोको भी बोलना शुरू किया, आपने ठोको फील्ड पे करना शुरू कर दिया था। मेरा क्या है, क्रिकेट भी कॉमेडी हो गया मेरे को, इसीलिए ऐसे मैं कभी मजा के लिए खेला, मैं कभी सुनता मैं कभी सोता नहीं इंडिया के लिए खेलना चाहिए, कैप्टन बनना चाहिए, वो करना चाहिए, जाके एंजॉय करने के लिए आया, इसलिए आज भी आपका शो के लिए आया ना, मैं सिर्फ एंजॉय कर लेकर आया। उस दिन 83 में कपिल देव मेरा कैप्टन है था, आज कपिल शर्मा। स्टार्टेड अबाउट 1983, आई हैव टू टेल यू दिस, हिंदी 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 में मेरा हिंदी जैसा है कपिल देव का इंग्लिश है वैसे ही है। कपिल बाजी माफ करो, जस्ट जोकिंग है कपिल बाजी। चीका भाई हिंदी का हाइट ऑफ आपका परफॉर्मेंस जो है ना, जो मैं आज तक नहीं भूला हूं, जो मुझे सबसे ऊपर लगता है वो है आपका हिंदी का वो गाना हम बने। कितना बार गाड़ियां नहीं नहीं कितना बार करो यार, कम ऑन कम ऑन, पॉपुलर डिमांड है, एक दूजे के लिए गाना बोल रहे हैं। नहीं 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 एक दूजे के लिए गाना बोल दो, एक बार गा दो, अगर ना सारे हिल गए ना
You will rock the show, I'm telling you. एक तो बनता है. ये गाना सिद्धू इतना बार बोला, मैं इतना बार सॉन्ग सिंग किया गाया, क्या बोलो नहीं हो सकता क्या तुमको? ठीक है, आप एक दूसरे के लिए अभी अपने अपने सिद्धू पाजी के लिए गाया ना. अभी सर आपकी फैंस सुनना चाहती हैं, फीमेल फैंस. मेरे जीवन साथी प्यार किया जा, जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम भिन्नर. वो इंग्लिश है ना. अच्छा भाजी, अजय सर ऐसे बैट्समैन है कि जब ये इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से एक से लेके आठ नंबर तक हर जगह पे आपने हर नंबर पे आपने बैटिंग की है, जब ये बैटिंग करने जाते थे इनको भेजते थे तो तकरीबन मैच फंसा हुआ रहता था. जैसे सपोज 25 बॉल में 45 या 50 रन चाहिए तो आप कर भी लेते थे पूरे. तो ये आप मजबूरी में करते थे या आपको मजा आता था ये सब करने में कि मुझे कम मतलब होता था कि मिनिमम इनपुट में ज्यादा आउटपुट? कोई और होता नहीं था, उसी जगह में मुझे खेलने को मिलता था. तो मजबूरी मेरी ये थी कि आठ हो, सात हो, छह हो, पांच हो, एक हो. शरीफ भाजी कभी कभी जब नहीं आते थे तब ओपन करने को मिलती थी. शरीफ भाजी का क्या प्रॉब्लम है ना, तीन मैचेस 50-50-50, फोर्थ मैच श्योर रेस्ट. वो मैच रेस्ट उस टाइम रेस्ट टाइम में जड़े जगह चांस मिलेगा. मेरा नाम तो स्टेपनी रखा हुआ था. ऐसे क्यों? स्टेपनी होती है, जो टायर फेल हो जाए वहां लगा दो. तो मतलब आपने एक से लेकर आठवें नंबर तक तकरीबन मेरे ख्याल से नौवें नंबर पे नहीं कभी आप खेले. आठ से शुरू किया, ओपनिंग भी की आपने, आप कैप्टन भी रहे, काफी काम किया आपने. मैं बताता हूँ, आप फ्लेक्सिबल थे, हर जगह फिट हो जाते थे वैसे एक्चुअली. मैं बताता हूँ जी, नंबर ओपन पे बैटिंग करनी सबसे आसान. किसी की एवरेज 50 है, किसी की 55 है. एक्सक्यूज मी, सबसे इन वन डे क्रिकेट. लिसन, आप सही बोल रहे हो. मैं सही बोल रहा हूं. यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी. वन डे क्रिकेट में ओपन करनी सबसे आसान है, आपको ज्यादा ओवर मिलते हैं. सबसे मुश्किल काम है नंबर 6 पे आके लास्ट चार ओवरों में 40 करने. और अजय जडेजा ने वही किया है. वकार यूनुस को वर्ल्ड कप 96 में 4 ओवर में 42 रन मारे. अरे वाह, ठीक है तू कुछ भी बोला आज. क्योंकि आज महाराज है ना, इसीलिए महाराज है. तो महाराज उधर बैठ रहे, हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े भाई प्रजा, हम लोग प्रजा इधर बैठ रहे. श्रीकांत सर, जब आपने अपना डेब्यू किया वनडे में, हाँ, अच्छे स्कोर बनाए, उसके 2 दिन बाद आपने टेस्ट में भी अपना डेब्यू कर लिया था, हाँ, तो वहां पे भी आप सेम ही मतलब एग्रेसिव रहे उसमें भी, कि आपको लगा कि नहीं यार ये टेस्ट मैच इसको धीरे धीरे खेलूं, पर वहां पे भी मारदार करनी शुरू कर दी थी आपने. आउट हो गए थे पहले टेस्ट मैच. पूछो इनसे कैसे, पहले टेस्ट मैच में कैसे हो गया था, पूछो उनसे क्या हुआ था. क्या हुआ था, हो गया था एक. आप बोला ना क्या धीरे धीरे खेल के ना, मैं धीरे धीरे ही खेला. नहीं नहीं, आप कहां खेलते थे, आप तो फास्ट फास्ट खेलते थे. नहीं नहीं, फास्ट फास्ट भी खेला मैं. क्या किया, पहला टेस्ट मैच है, डेब्यू है मेरा. स्टांस ले लिया, अच्छा खेल रहा है, 13 में खेल रहा है. स्टांस तो जहां तक मुझे याद आप लेते नहीं, आपका बैट हवा में रहता था. किधर बॉलर आए सही. नहीं नहीं आप ऐसे रहते थे शायद ज्यादातर. नहीं मुझे आप जैसा बात कर रहे हैं, मेरे को क्रिकेट कुछ भी कुछ नहीं मालूम है, ऐसा बात कर रहे थे. भाई साहब मैं थोड़ा इंडिया कैप्टन भी है मालूम है. आई नो सर. बॉल टू कवर्स टू मिड ऑफ टू बॉलर ये जाके क्या किया, ऐसा टर्न करके मार दिया सब. मैं क्रीज के बाहर था, रन आउट हो गया. रन आउट होने के बाद ऐसा बैठ गया उधर अंदर. बाद में अंदर ड्रेसिंग रूम गया, देन यू नो व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम. श्रीकांत लुक लाइक वॉकिंग इन द इज टेकिंग अ वॉक इन द जुहू बीच, ऐसा बोला. लेकिन इससे भी खराब एक बंदा आउट हुआ है. कौन बताइयो भी, जडेजा बताइयो. गुरशरण सिंह कैसे स्टंप हुआ था? वो सचिन तेंदुलकर को देखा ना आप, वैसे से करते हैं वो. अब डोमिनल गार्ड को एडजस्ट करते हैं, बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा. तो
वो उन्होंने बैटिंग की, आगे ऐसे आके खेले, बॉल बीट हो गई, कीपर के पास चली गई, वो ऐसे करते हैं तो बंदे ने पीछे से स्टंप कर दिया। अच्छा मैंने अरे सर एक चीज देखी है, टीम चाहे किसी भी सिचुएशन में खेल रही हो, चाहे जीत रही हो चाहे हार रही हो, अजय सर का अगर इतने साल में कुछ नहीं बदला तो वो है स्माइल, वो हमेशा रहती थी। तो सर ये आप सामने वाली टीम को चिढ़ाने के लिए करते थे कि आपको उस समय अंदाजा हो गया था कि एक ना एक दिन आप कॉमेडी नाइट्स में आएंगे? टीम के लिए नहीं है, सामने वाले मन में क्या क्या कौन कौन है इसके लिए लड़ने के लिए, क्या बोलते हैं लड़की, नॉट टू प्लीज द टीम, टू प्लीज आउटसाइड द टीम। वो जो स्माइल थी ना, वो स्माइल विरोधी टीम के लिए नहीं थी, वो स्माइल जो थी वो लड़कियों के लिए थी। श्रीकांत सर आप ना अजय सर की ज्यादा खिंचाई मत करो, हमारे पास आपके लिए भी एविडेंस है, आपके खिलाफ भी। क्या एविडेंस है? आप क्यों घबरा रहे हैं जब आपने कुछ गलत किया? I am not scared, you're looking scared. नहीं, अच्छा मैं दिखाऊं आपको। आगे दिखाओ। पिछले दिनों सुनील गवास्कर साहब आए थे, हाँ। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था आपको लेकर, हमें पता नहीं है वो कितना सच है या कितना नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपसे कंफर्म कर लें सर। ओ 1986 है, मालूम है क्या बोलता है। अरे 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 क्या हुआ था सर? अभी बोल सुनील, तू सुनील गवास्कर बोला था, मेरे को मालूम है वो किस्सा बोला तो मालूम है, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच वो वाला है क्या? मैं आपको दिखा दूं सर? मेरे को मालूम नहीं, विद परमिशन। प्लीज प्लीज चला दीजिए यहाँ पे। देखिए ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं ना वो तो थोड़े से लूज होते हैं। कौन बंदा होगा जो फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहेगा? ओपनर्स तो हमेशा फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, नया गेंद होता है, पिच के बारे में कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा सा तो सनक होना ही चाहिए। हम सब लोग वैसे ही है, पर हम सबसे स्मार्ट सबसे सनकी कृष्णाचारी श्रीकांत इंग्लैंड में खेल रहे थे और इयान बोथम को उन्होंने उस वक्त ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टीम में से। तो दोनों बैटिंग कर रहे थे श्रीकांत और हम, और बॉल इतनी स्विंग हो रही थी और उस वक्त धूप भी नहीं निकली थी, तो वो ऊपर देखने की कोशिश कर रहे, सूरज नहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी मुश्किल में थे। और उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई, स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम। तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई। और एक बात हमने देखी कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे पर लड़कियां जब भागती है ना तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? ऐसे ऐसे क्यों लड़की? अच्छा तो वो भागती आई, वैसे भागती आई तो आई, तो उस वक्त उसके पास हाई हील थे, तो पिच पर आ गई, तो पिच तक आ गई, तो मेरा तो बस ये था कि इतने जो बड़े हील थे उससे पिच खराब ना हो गुड लेंथ की तरफ। तो मैं उसको बोल रहा था दूर रह करके। अब श्रीकांत भी मेरे साथ था, स्ट्रगल कर रहा था, बॉल मीट ही नहीं हो रही थी, तमिल ब्राह्मीण, हाँ वो देख नहीं पाता, तो जितना भी वो तमिल ब्राह्मीण ऐसा ऐसा करके उसने थोड़ा सा देख लिया। पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उसको ले गए। मैंने जाके श्रीकांत को बोला, चिका डोंट वरी। उसके बाद में उसके पहले बॉल ने बीट हो रही थी, उसके बाद में जो उसने जो तड़ी दी है ना बॉलर्स को, मारे जाए। मैं जाके बोल रहा हूँ वाह रे वाह बेटे वाह, ये तेरा सीक्रेट है।